हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपने जो पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है, तो सबसे पहले आपने अपने सिलेबस को समझ लिया होगा। लेकिन कुछ दोस्तों के पास में हो सकता है कि सिलेबस को समझने में कठिनाई आ रही हो, तो मैं आज वो टॉपिक लेकर के आया हूँ कि जिसमें आपके सिलेबस को COVID-19 के कारण 30% कम कर दिया गया है, काट दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसको समझने के बाद आप शेष जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, बस उसकी तैयारी कीजिए। और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको ये समझना कि हमारे कोर्स से हटाया क्या क्या गया है और रखा क्या क्या गया है। इसी मेरे चैनल पे एक सिलेबस का पूरा वीडियो बना हुआ है, वो COVID-19 के पहले का है, क्योंकि उस टाइम सिलेबस को नहीं हटाया गया है। अगर वो ना देखा हो, पूरा देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी मार्किंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले देखें, कौन कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि हमें कट क्या कर देना है, इसको देखना नहीं है, उठा के पढ़ना ही नहीं है। ओके, बस थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, जिससे अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो इसको आप तुरंत देख लीजिएगा। तो दोस्तों, लगे रहिएगा मेरे साथ। और आज हमने जो सिलेबस अपना लिया है, जो टॉपिक, वो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21। जी हाँ, जो एक महीने बाद आपको पेपर देना है यूपी बोर्ड का, कॉमर्स का। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, क्योंकि आप अगर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है जल्दी ना मिला हो कहीं पर। तो देखेंगे, मैंने लिख दिया है COVID-19 महामारी के कारण सत्र 2020-21 में 30% पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा कम किया गया है। ये सबको पता है कि 30% जो हमारा सिलेबस है वो कम किया है, लेकिन वो 30% में टॉपिक कौन कौन से इन्होंने रखे हैं, देखते हैं। अच्छा, ये कम क्यों किया गया है? क्योंकि आप जानते हो बहुत अच्छे से कि इस बार COVID-19 के कारण हमारी क्लासेस नहीं चल पाई, हम स्कूल में नहीं पहुंच पाए समय से। जो हमारा पूरा सिलेबस होता था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बोर्ड ने ये मेहरबानी करके हमारे सिलेबस को थोड़ा सा कम किया है। ओके, लेकिन देखा जाए दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारा सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। मेरे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, पूरा सिलेबस आपके लिए ये 10 दिन के अंदर ही YouTube पे आपके लिए पूरा मिल जाएगा। क्योंकि अब मैंने सबसे पहले फोकस जो किया है वो 10th पे ही किया है। 10th का हर चैप्टर, हर वीडियो, हर टॉपिक आपके लिए हमारे चैनल पे मिलेगा। ओके, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि हमारे दो पार्ट हैं एग्जाम के। एक तो हमारा प्रैक्टिकल का कार्य है, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, और एक हमारा क्या है, मेन पार्ट है, जिसका हम रिटन एग्जाम देते हैं। ओके, जो रिटन एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क का होता है। और जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 30 मार्क्स के होते हैं। ये 30 मार्क्स तो हमारे स्कूल पर बेस्ड हैं, ये हमें तो स्कूल में जो हमारा कॉलेज में जो प्रैक्टिकल वगैरह हुआ है उस पर बेस्ड है। लेकिन इनमें हमें जितनी मेहनत करनी होगी वो सब यहाँ पर जी जान से लगा देनी है, क्योंकि यहाँ 70 मार्क्स में से ज़्यादा हम ले आएंगे, वही हमारी परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो 30 हैं मार्क्स, इसमें तो आप इतना अच्छा वर्क कर सकते हैं कि कॉलेज वाले भी आपकी हेल्प करा करके, और यहाँ पर 29, 30, 28 ऐसे मार्क्स आपको दिलाई देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल थ्योरी सारी सब कुछ आपको कॉपी में लिखनी है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जिन दोस्तों की अभी अगर तैयारी कहीं पर थोड़ी सी अगर हल्की हो या पीछे चल रहे हो, बिल्कुल मत घबराइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही सरल आपको लैंग्वेज में समझाया गया होगा। पहला टॉपिक हमारा जो कट किया है वो किया है 100% रूप से बैंक समाधान विवरण पत्र। ओके, बैंक समाधान विवरण पत्र को बिल्कुल हटा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वैसे तो हाई स्कूल के लिए, क्योंकि ये चैप्टर था गया व्यापारी जितना भी लेन देन करता है वो सारा का सारा अपनी कैश बुक में लिखता रहता है, जिसको रोकड़ बही कहते हैं, अंग्रेजी में कैश बुक, हिंदी में रोकड़ बही कहते हैं। ओके, और जितने लेन देन चलते हैं वो सारे बैंक से चलते हैं, तो बैंक के अनुसार जो हमारा बैलेंस है व्यापारी का और रोकड़ पुस्तक के अनुसार जो बैलेंस है, दोनों में क्या आ जाता था? अंतर आ जाता था। इस अंतर को दूर करने के लिए ये क्या बनाया जाता था? बैंक समाधान विवरण। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, जैसे मैं व्यापारी हूं और आप हमारे कस्टमर हो, आपने हमें कोई चेक दिया तो
तो आपने ये सोचा होगा कि नहीं, हम तो पेमेंट कर चुके हैं और वो आप कर भी चुके हो, चेक हमें मिल चुका है, हमने क्या काम किया, अपना पैसा तो बढ़ा लिया लेकिन उसे बैंक नहीं भेजा चेक को, क्योंकि चेक का पेमेंट 3 महीने तक हो सकता है, वैलिड रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक तरफ तो ये लगा कि पेमेंट हमारे पास आ गया लेकिन खाते में तो वो जमा ही नहीं हुआ, लिहाजा हमारे अनुसार यानी रोकड़ पुस्तक के अनुसार और बैंक के अनुसार दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण पत्र। ये खाता नहीं होता है, एक पत्र होता है। ओके, तो एक तो ये सिलेबस में हमारे कम हुआ, अब नहीं पढ़ना है ये दोस्तों। सेकेंड नंबर पर है भाग बा में, देखिए अनुक्रमणिका तथा विक्रय विवरण। देखिए बीजक को नहीं हटाया है, बीजक का एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 100% आएगा, बीजक आएगा लेकिन विक्रय विवरण नहीं आएगा। ओके, अनुक्रमणिका भी नहीं आएगी। ओके, अनुक्रमणिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं, वो भी नहीं आएगी। अगला है पार्ट थर्ड में सभाग में सहकारी बैंक। देखिए बैंक वाला चैप्टर हटा नहीं है लेकिन उसका जो टॉपिक हटा है वो क्या हटा है, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक सरकारी बैंक दोनों को एक मत समझ लेना, सहकारी दो शब्दों से मिलकर के बना है, सह प्लस कारी। सह का मतलब होता है साथ देने वाला, सहायता करने वाला, ठीक है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं, जो समितियां होती हैं, उनके लिए यहां से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ओके, जैसे जिला सहकारी बैंक होता है और मतलब भूमि की सहायता करने के लिए जो बैंक होते हैं, यानी सहायता करने वाले जितने भी बैंक हैं वो सब हटा दिए गए हैं यहाँ पर। अगला भाग दा में उत्पत्ति के साधन, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैसे चैप्टर था हाई स्कूल के लिए, हर साल इससे आता भी था लेकिन इस बार इस टॉपिक को हटा दिया गया है। क्या है उत्पत्ति के साधन, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल दैट जो साधन है वो कौन कौन से हैं, 5 साधन होते हैं उत्पत्ति के, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, 5 होते हैं। 5ों के बारे में आपके लिए अब नहीं लिखना है, बस समझ लेना है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ठीक है, ये 5 चीजें हटाई गई हैं। ओके, तो ये पूरा जो सिलेबस हमारा कम किया गया है इसको आज के बाद आप नहीं पढ़िएगा। इसके अलावा जो शेष टॉपिक हैं उनकी बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा जिससे आपके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा आए। ओके, क्योंकि दोस्तों हाई स्कूल से ही हमारा बेस बनता है, हाई स्कूल में परसेंटेज अच्छी होगी, इंटर में अच्छी होगी, आगे बी कॉम में अच्छी होगी, फिर एम कॉम में अच्छी होगी, तभी आपको सफलता अच्छे से अच्छे प्राप्त होगी। ओके, ये तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए कि हम आगे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, बस हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आज समय इस बात का है कि आप लग जाइएगा अपनी तैयारी में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन टॉपिक्स के लिए हमारे लिए बिल्कुल नहीं समझना है अब, ठीक है, कब तक के लिए, केवल एग्ज़ाम तक के लिए। ओके, बाद में आगे आपके अगर सिलेबस में ये कहीं मिलते हैं तो आगे हम खुद इनके लिए पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क अगर अभी तक नहीं हुआ हो तो उसमें से भी क्या क्या हटाया गया, जो यहाँ पर बैंक समाधान विवरण पत्र हटाया गया वही देखो यहाँ पर क्या है, बैंक समाधान विवरण पत्र कब और क्यों बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकल में आपसे टॉपिक रखा हुआ था, इसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड नंबर पर अनुक्रमण का विक्रय विवरण, लेकिन वो नहीं हटाया, यहाँ पर रोकड़ बही एवं पासबुक में अंतर को हटाया गया है कि क्या कैसे होता है। कार्ड अनुक्रमण का जो वर्णन है वो भी हमारे प्रोजेक्ट वर्क से हटा दिया, और उत्पत्ति के साधन यहाँ पर जो हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट वर्क से हटा दिए गए। तो दोस्तों आपने अभी समझा कि हमें क्या क्या अब नहीं पढ़ना है। ओके, इसको छोड़ करके और बाकी सारे टॉपिक आपके लिए पढ़ने हैं। ओके, तो उन चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको कुछ की तो है पड़ी हुई और कुछ की धीरे धीरे सब आपके पास में आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और एक जो वीडियो है मेरी वो आज कल एक दो दिन में आ जाएगी कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि पेपर को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, कैसे थ्योरी करनी है, पहले नंबर पर क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद पूरा थ्योरी में लिख देने के बाद हम क्या ऐसा करें कि जिससे कॉपी पढ़ने वाला मतलब हमसे प्रभावित हो, क्योंकि तमाम कॉपियां उसके सामने आती हैं लेकिन जब आपकी कॉपी बिल्कुल अलग होगी और लोगों से अलग होगी, लिखा हुआ एक विशेष टेक्निक से होगा, तो समझ लीजिए कि नंबर भी उन लोगों से आपको अलग ही मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ, बाय बाय।